जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। लोगों ने एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा की। देशभर सहित जयनगर में आज पूरे धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद के साथ ही अल्लाह की बरकत का महीना रमजान खत्म हो जाता है। भारत में ईद आज मनाई जा रही है, लेकिन कई देशों में एक दिन पहले चांद दिखने की वजह से ईद कल ही मना ली गई। भारत के सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर आज सुबह ईद की नमाज पढ़ी गई और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक देते हैं। ईद उल फित्र के मौके पर ब्लडीहा, भेलवा टोल, थाना टोल, यूनियन टोल, देवधा, बेला सहित अन्य मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। जयनगर प्रखंड में भी ईद की रौनक दिखाई दे रही है। लोगों ने सुबह सुबह मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी और अल्लाह की इबादत की। ईद की नमाज अदा करने से पूर्व मौलाना कलीम अशरफ ने रमजान के पवित्र महीना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मजहबे इस्लाम अमन शांति का पैगाम देती है। इस्लाम में गंगा जमुनी का तहजीब दिया गया है। ईद पर्व पर गिले शिकवे दुश्मनी भुलाकर आपस में एक होने का रास्ता देती है। मौलवियों ने कहा कि 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद का त्यौहार खुशियां लेकर आती है। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद भारत समेत विश्व शांति अमन भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर बेलही पश्चिमी पंचायत के सरपंच मोहम्मद जहांगीर हाशमी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर, उपमुखिया मोहम्मद वकील, पूर्व मुखिया मोहम्मद इसाक, मौलाना आफिज कलीम, मोहम्मद सदाम आलू गद्दी, मोहम्मद तईब, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद लालू, मोहम्मद उम्मीद हाशमी, मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद अनीश, मोहम्मद अमरुल, मोहम्मद आबिद सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए इस रिपोर्ट को। आप लोग ईद पर बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम अपने ईद त्यौहार के मौके पर अपने देशवासियों को अमन और चैन का और सुकून और सलाहियत और मोहब्बत से रहने का एक पैगाम भेजना चाहता हूँ। इस ईद के मौके पर बल्डिया के सरजमीन से, बल्डिया के ईदगाह से, और खुसूसन दुआ भी हिंदुस्तान के लिए हम लोग के ईद में किया जाता है अमन और शांति के लिए। और भाईचारे का त्यौहार भी ईद है, एक दूसरे के मोहब्बत का त्यौहार भी है। इस मौके पर हम अपने बल्डिया के वासियों के साथ साथ, जयनगर वासियों के साथ साथ, जिला वासियों के साथ पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और अमन चैन का पैगाम। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद जहांगीर हाशमी, सरपंच बेलही पश्चिमी। संदेश देना चाहेंगे? आज खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में सिर्फ हम ही खुशी नहीं मनाते हैं या हम अपनी आबादी के लोग ही खुशी नहीं मनाते हैं, बल्कि इस खुशी में हम इस देश में रहने वाले उन तमाम भाइयों को शामिल करते हैं, चाहे वो जिस धर्म से बिलोंग करते हों, जिस मज़हब से बिलोंग करते हों। हमारी मोहब्बत सब के लिए है और मोहब्बत का, अमन सुकून का हमारा पैगाम रहा है, संदेश रहा है कि जहाँ भी जो रहें, इंसान आपस में इस अंदाज से रहे कि वो ऐसा महसूस हो कि वो एक दूसरे के भाई भाई हैं। जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती है वो इंसान नहीं कहलाता है। इसलिए इंसान बनने के लिए इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे मौके पे, खुशी के मौके पे, त्यौहार के मौके पे हम अपने वतन वासियों को हज़ारहा मुबारकबादी पेश करते हैं। आप सबको भी ईद मुबारक हो और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस खुशी के बदले हिंदुस्तान को सलामत रखे, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम भाइयों को सलामत रखे, चाहे वो जिस धर्म से, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, मानने वाले हो, सब आपस में भाई भाई हैं और भाई का एक पैगाम देते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद कलीम अशरफ, सदर इमाम रज़ा जामे मस्जिद बल्डिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह ईद जो है, यह खुशी का ईद, समझे ना। दूसरी बात है, यह पर्व मुस्लिम भाई, जैसे हम मुस्लिम हुए, हम लोगों के लिए है, लेकिन इस पर्व में हम लोग सभी धर्म को अपने घर पे बुलाते हैं, आते हैं, सभी आदमी मिलजुल के रहते हैं। और दूसरी बात है कि समाज में एकता कायम है। दूसरी नंबर बात है कि जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान को हम अपने तहे दिल से और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से ईद की शुभकामनाएँ देते हैं और पंचायत वासियों को भी ईद की शुभकामनाएँ। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद अकबर, राजब प्रखंड उपाध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। माह रमज़ान शरीफ का ये महीना पूरा होने पर, जो रहमत, बरकत और मगफरत का महीना है, निजात का महीना है, उसके पूरा होने पर हम सब ईद का जश्न मनाने के लिए, ईद की खुशी मनाने के लिए ईदगाह पहुँचे और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हम लोग अपने सीना को साफ करते हैं, अपने भाई से गला मिल करके
अपने सीना को अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बनाते हैं और इस मौके से हम अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम भाइयों को सलामत रखे और हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए, हमारे मुल्क में भाईचारा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क से परेशानी को दूर फरमा कर यहाँ के वासियों को अल्लाह ताला सलामत रखे। امیر المومنین عمر فاروق المجد للحسان رضی اللہ تعالی ولا امام حبیب اللہ المنان ناصر اہل الایمان